हेलो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि नॉन कॉपरेशन मोमेंट हमने स्टार्ट किया था द मोमेंट इन टाउंस हियर टाउन्स मीन द अर्बन एरियाज ऑफ दैट टाइम दैट टाइम पे जो शहरी एरियाज हुआ करते थे वहाँ पर हमने देखा कि नॉन कॉपरेशन मोमेंट कैसे चला अभी हम पढ़ेंगे रेबिलियन इन द कंट्री साइड दैट मीन्स कि वहाँ के जो रूरल एरियाज थे वहाँ पे कंट्री साइड में वहाँ के छोटे छोटे एरियाज में कैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा और नॉन कऑपरेशन मूवमेंट कैसे वहाँ पे स्प्रेड हुआ फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड कंट्री साइड में भी सिटीज में से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैलने लगा इट ड्रू इन टू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पेजेंट एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द इयर्स आफ्टर द वॉर मतलब uh, इस रिबिलियन में क्या हुआ था कंट्री साइड में जो रिबिलियन हुआ था उसमें बहुत सारे पेजेंट्स मतलब कि किसान और ट्राइबल्स मतलब कि जो नीचे जाति वाले लोग रहते हैं उन उन सभी के स्ट्रगल्स उसमें समा गए थे नॉन कॉपरेशन मोमेंट में इन अवध द वर लेड बाय बाबा रामचंद्र अवध कहाँ पे यूपी में तो अवध के जो किसान होते थे उनको किसने लीड किया था बाबा रामचंद्र ने बाबा रामचंद्र कौन थे असन्यासी हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबर वो एक सन्यासी थे और उनको फिजी भेज दिया गया था एज एन इंडेंचर्ड लेबर अभी इंडेंचर्ड लेबर क्या है कुछ आ, जो गवर्नमेंट्स होती थी वहाँ की वो कुछ लोगों को लेबरर बनाकर मजदूर बनाकर अपनी ज़मीनों की रखवाली करने के लिए फिजी वेस्ट इंडीज़ ऐसे कुछ जगह भेज देते थे तो एक इंडेंचर्ड लेबरर रह चुके थे द मूमेंट हेयर अगेंस्ट तालुकदार्स लाइन लॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्राम पेजेंट्स एक्स था? और जमींदारों के अगेंस्ट था जो कि किसानों से उनकी जमीनों के बहुत ज्यादा लेते थे बहुत ज्यादा रेंट्स और टैक्स लेते थे पेजेंट हैनी पेमेंट किसानों को बेकार करना पड़ता था, था। बेकार मीन्स अभी बेकार वर्ड क्या है लेबर डेट व वर फोर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट मतलब वो मजदूरी उनको करनी पड़ती थी जो उनको पे, मतलब पेमेंट नहीं मिलता था बिना पेमेंट के मजदूरी करनी पड़ती थी एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्यर बींग रेगुलरली एविक्टेड सो देट दे कुर नो राइट ओवर द लीज लैंड जैसे कि वो वहाँ के किराएदार थे उन्होंने ज़मीनें जो थी टेनेंट्स उस पर ले रखी थी तो उनको कभी भी उनसे निकाल दिया जाता था उनका कोई राइट right नहीं था उस लैंड पे द पेजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू पेजेंट किसान आंदोलन ने क्या क्या डिमांड किया था रिवेन्यू में रिडक्शन कर में कमी अपोल्यूशन ऑफ बेकार मतलब कि जो बेकार बिना पेमेंट के मजदूरी होती थी उसका बंद बंद होना अपॉलिशन एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंड लॉड्स मतलब ये जो ऑपरेसिव लैंड लॉर्ड्स होते थे उनको बॉयकॉट करना इन मैनी प्लेसेस नई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंड लॉर्ड ऑफ सर्विसज ऑफ इवन बारबर्स एंड वाशरमैन मतलब बारबर और वाशरमैन की सर्विसज को डिप्राइव करने के लिए नई धोबी बंद भी लैंड लॉर्ड्स ने क्या किया था ऑर्गनाइज किया था ये एक मोमेंट है नई धोबी बंद जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बहुत सारे प्लेस पर इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध टॉकिंग टू द विलेजर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवियंसिस जवाहरलाल नेहरू ने जून 1920 में विलेजेस में जाना स्टार्ट किया अवध के विलेजेस में घूमना वहां पे लोगों से बात करके उनकी कंडीशंस को समझना स्टार्ट किया बाय अक्टूबर द किसान सभा वॉज सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स ओथ किसान सभा सेटअप हुई थी कब में और, और किस-किसने किया था जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र और और कुछ और भी लोग थे। मतलब उसी रीजन में सिर्फ महीने के अंदर ही ब्रांचेस किसान सभा की की गई थी सो वेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ईयर द एफर्ट ऑफ कांग्रेस वॉज टू इंटीग्रेट दिजेंट स्ट्रगल इन टू

इस फॉर्म में वो डेवलप हो गया था कि कांग्रेस लीडरशिप खुद अनहैप्पी थी उसके साथ उसकी कंडीशंस के साथ एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921 द हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर वर लूटेड एंड द ग्रेन हॉर्ड्स वर टेकन ओवर जैसे ही मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1921 में तालुकदार्स में मर्चेंट्स के जो घर होते थे उनको अटैक किया गया बाजार्स को लूटा गया ग्रेन अनाजों के जो हॉर्स होते थे बोरियाँ होती थी उनको लेकर चले जाने लगे लोग इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पेजेंट्स दैट गांधी जी हैड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड एंड लैंड वाज टू बी रिडिस्ट्रीब्यूट अमंग द पुअर बहुत सारी प्लेसेस में कुछ लीडर्स ने किसानों को बताया कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि कोई भी टैक्स नहीं देगा और सारी जो जमीन है वो गरीबों में वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी द नेम ऑफ महात्मा वॉज बींग इन्वॉक् टू सेंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन महात्मा एक टैग जो दिया गया था वो उनकी सारी एस्पिरेशन और एक्शन को इन्वॉक करने के लिए दिया गया था ट्राइबल पेजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनादर वे जो ट्राइबल पेजेंट होते थे किसान होते थे छोटे, छोटी जाति वाले उन्होंने महात्मा गांधी जी के इस मैसेज को थोड़े से अलग वे में लिया इस स्वराज का जो आइडिया था उनको उन्होंने अलग वे में इंटरप्रेट किया इन गोदैम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस अ मिलीटेंट गुरेला मोवमेंट स्प्रेड इन अर्ली नाइनटीन नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस गुड अप्रूव अप्रूव एक इंस्टेंस के लिए वहाँ पे मिलिटेंट गोरेला वॉर स्प्रेड हुआ था एक मोमेंट स्प्रेड हुआ था गोरेला वॉर करके वो आंध्र प्रदेश में हुआ था कहाँ पे हुआ था आंध्र प्रदेश गुडैम हिल्स में उस एरिया में कब हुआ था अर्ली नाइनटीन ट्वेंटीज में ऐसा वो ऐसा स्ट्रगल नहीं था जिसको कांग्रेस मंजूरी दे

को अंदर जाने के लिए बंद मतलब रास्ता बंद कर दिया था और प्रिवेंट कर दिया था कि लोग अंदर नहीं जा सकते वो अपने कैटल्स को ग्रेज नहीं ग्रेजिंग नहीं करवा सकते फॉरेस्ट में और फ्यूल वुल और फ्रूट फ्यूल वुड और फ्रूट्स भी नहीं कलेक्ट कर सकते दिस एनरेज हिल पीपल इससे क्या है हिल में रहने वाले उस एरिया में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी

द हील पीपल revolted. जब गवर्नमेंट ने उनको फोर्स किया कि उनको बेकार रोजगार करना पड़ेगा रोड बिल्डिंग के लिए मतलब उनको रोड बिल्ड करने पड़ेंगे और बेकार मतलब कि उनको पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा उस मजदूरी का द हील पीपल revolted. हील में रहने वाले जो लोग थे वहाँ पे आंध्र प्रदेश में उन्होंने क्या किया रिवॉल्ट किया, किया उसके अगेंस्ट में द पर्सन हु कैम टू लीड दैम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर जो उनको लीड करने आया था पर्सन जिन्होंने उन किसानों को लीड किया था वो बहुत इंटरेस्टिंग था आलूरी सीताराम राजू अलूरी सीताराम राजू वो उन्होंने ये क्लेम किया था अपने बारे में बताया था कि मेरे पास एक स्पेशल पावर्स हैं बहुत सारी ही कूड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शंस मतलब वो ज्योतिष ज्योतिष विज्ञा में करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन दे सकते हैं एंड हील पीपल और लोगों को भी ठीक कर सकते हैं एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स मतलब उनको अगर गोली भी लग जाए तो भी वो वापस से जीवित हो सकते हैं कैप्टिवेटेड बाय राजू द रिबल्स प्रोक्लेम डैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड मतलब राजू ने अलूरी सीताराम राजू ने अपने बारे में जो जो भी बताया उनके बारे में सुन के रिबल्स ने ये प्रोक्लेम किया ये ऐलान किया कि वो भगवान का अवतार है इंकारनेशन ऑफ गॉड राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी राजू जो थे वो महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर्ड थे तो उनकी ग्रेटनेस के बारे में बोलते थे सेट ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मोमेंट वो नॉन कॉपरेशन मोमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे मतलब उसके सहयोग में थे एंड परसुएडेड पीपल टू वेयर खादी उन्होंने लोगों को समझाया कि वो खादी पहने एंड गिव अप ड्रिंकिंग और शराब पीने को गिव अप करें छोड़ दें बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ़ फोर्स लेकिन उसी के चलते एक तरफ वो नॉन कोपरेशन मोमेंट का साथ भी दे रहे हैं उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो फ्रीडम कैसे हासिल करेगा बाय द यूज़ ऑफ फोर्स अपना फिज़िकल फोर्स लगा के नॉट नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस से नहीं

Carry on करके रखा राजू was कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924. Executed means फांसी लगना मतलब राजू को पकड़ा गया और 1924 में उनको फांसी लग गई एंड ओवर टाइम ही बिकम अ फोक हीरो मतलब उस एरिया के लिए राजू जो थे सीताराम राजू वो एक फोक हीरो के जैसे थे स्वराज इन द प्लांटेशन प्लांटेशन वाले एरिया में स्वराज के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे कैसे चला वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज ये स्वराज जो टैग था और महात्मा गांधी की जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे इंस्पायर होकर वर्कर्स ने भी जो प्लानेशन वर्कर्स थे उन्होंने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने साथ दिया फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्टेट स्पेस इन विच दे वर इन्क्लोज मतलब आसाम में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको एक जगह में बंदी बना के रखा था तो उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो उस प्लेस में से जब मन चाहे तब अंदर और बाहर आ जा सकते हैं एंड इट मीन रिटेनिंग अ लिंक विद द विज फ्राम विच दे हैड कम मतलब फिर से अपने विलेज से वो लिंक बना के रख सकते हैं जब मन चाह तब वो जा सकते हैं वहाँ पे अंडर द इंग्लैंड इमीग्रेशन एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी नाइन इंग्लैंड इमीग्रेशन एक्ट के तहत जो कि एटीन फिफ्टी नाइन में बना था प्लानेशन वर्कर्स वर नाट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन उस टाइम पे इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट में क्या लिखा था कि प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं दी जाएगी कि वो टी गार्डन से बाहर जा सकें बिना परमिशन के एंड इनफैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन और ऐसी परमिशन उनको बहुत कम मिलती थी व्हेन दे हर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज जब उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने क्या किया ऑथोरिटीज़ को डिफाई कर दिया मतलब रेजिग्नेशन दे दिया लेफ्ट द प्लान एंड हेडेड होम और प्लांटेशंस को छोड़ के वो अपने अपने घर की तरफ चल पड़े दे बिलीव डेट गांधी राज कमिंग एंड राजन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस उनका मानना था कि गांधी राज आने वाला है और सबको अपनी अपनी जमीने अपने विलेज में मिल जाएगी दावे वर नेवर रीच देअर डेस्टिनेशन लेकिन वो अपने विलेज पहुंच नहीं पाए स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक रेलवे और स्टीमर स्ट्राइक की वजह से रास्ते में ही देवर caught बाय पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप पुलिस ने उनको पकड़ लिया और उनको बीटन अप किया उनको मारा द विजन्स ऑफ दिस movement वर नॉट डिफाइड बाई डिफाइंड by कांग्रेस प्रोग्राम कांग्रेस प्रोग्राम ने इस मूवमेंट्स की कुछ विजन्स को define